अगर आपको मैं बोलूं क्या आप एरोना या ड्रैगन फिश खाते हैं, तो सुन के शायद आप थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि पालने वाला कोई भी फिश को तो खाया नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों, सदियों पहले ये एरोना या ड्रैगन फिश को एज अ फीडिंग फिश के हिसाब से ही जाना जाता था। मार्केट में जितना खाने वाला फिश, खाने वाला मछली रहता था, उसके बीच में एरोना भी रहता था। क्या है वो स्टोरी, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे एरोना स्मगलिंग भी होता था। कौन सा वो देश है जो पहला बार माइक्रोचिप वाला एरोना एक्सपोर्ट किया था। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये वीडियो से आप लोगों को नॉलेज भी कुछ ऐसा मिलेगा जो शायद पहले कभी नहीं मिला। तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज से करीबन 60 साल पहले की बात है, लगभग 1960 के आसपास होगा। च्यू थियंग यंग ये एक पर्सन का नाम है जो एक्वेरियम रिलेटेड बिजनेस से ही जुड़ा हुआ था, जिसका एक्वेरियम शॉप था शायद। वो एक दिन छोटा फिश ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा था, और जंगल का जो रास्ता है वो एक मार्केट होके जाता है, फिश मार्केट। तो यंग ने पहला बार एरोना को वो मार्केट में देखा था, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। यस, गोल्डन एरोना उसी मार्केट में मरा हुआ बिक रहा था खाने के लिए। तो यंग ने उसका जो कलर देखा, एक डेड फिश का कलर जो मरने के बाद भी इतना कलरफुल था, इतना ग्लैमरस था, तो वो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो यंग ने जाके वो जो सेलर है, जो वो एरोना, मरा हुआ एरोना बेच रहा था, उसको जाके पूछा कि ये कौन सा फिश है, और आप क्या मुझे एक ये जिंदा फिश पकड़ के दे सकते हैं? क्योंकि यंग ने सोच लिया था, अगर कोई मरा हुआ फिश इतना ग्लैमरस, इतना कलरफुल हो सकता है, तो ये जिंदा कितना कलरफुल होगा। दोस्तों, उसके बाद वो फिशरमैन ने च्यू थियंग यंग को उसने एक जिंदा फिश दिया, जो वो लेकर अपने एक्वेरियम शॉप में रखा, और उसके बाद से उनका एक्वेरियम शॉप का सेल दुगना चौगना हो गया ड्यू टू ड्रैगन फिश। और कहा जाता है यहीं से धीरे 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 बहुत देशों में एरोना का प्रचार हो गया। पहले जो एरोना पाया गया था वो गोल्डन एरोना था, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रीन एरोना का भी क्रेज मार्केट में चालू हुआ। मतलब जैसा गोल्डन एरोना वाइल्ड से मिलना शुरू हुआ, उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का एरोना, ग्रीन एरोना, वो मिलना शुरू हुआ। लेकिन लेट 1970s में इंडोनेशिया में पहला बार रेड एरोना का खोज मिला, और यही कहा जाता है कि 1970s के बाद से ये रेड एरोना इतना फेमस हो गया, स्पेशली चाइनीज में। ये नहीं सिर्फ कि इसके कलर के वजह से कि रेड कलर चाइनीज को पसंद है, ऐसा नहीं। ये एरोना का दो मतलब निकल के आया, एक था सरप्लस और दूसरा था वेल्थ, जिसके वजह से भी एरोना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, और उसके साथ फेमस हुआ रेड एरोना। और ये कहा जाता है कि 1975-1980s ये जो टाइम था, इस दौर में बहुत ज़्यादा एरोना इंडोनेशिया से ताइवान के तरफ स्मगलिंग होता था। मतलब इल्लीगल वे में ये वाइल्ड एरोना, क्योंकि तभी ब्रीडिंग चालू नहीं हुआ था एरोना का, तब वाइल्ड से ही सारा फिश पकड़ा जाता था, तो इसको इल्लीगल तरीके से बहुत सारे देश में भेजा जाता था।
इतना ज़्यादा ये एरोना का स्मगलिंग शुरू हो गया था, ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मिल के ये डिसाइड किया और ये परमिशन दिया कि कुछ कुछ देश इसका फार्मिंग कर सकता है। एंड 1990 से, आज से लगभग 30 साल पहले से, 1990 जैसा मैंने बताया, पहला बार एरोना का फार्मिंग शुरू हुआ। मतलब वाइल्ड से एरोना को ले आके अलग फार्मिंग करना शुरू किया। और इसके बाद 1994 सिंगापुर ने पहला बार जापान को भेजा माइक्रोचिप वाला एरोना। आज हम लोग जो ये माइक्रोचिप वाला एरोना अपने घर में रखते हैं, ये पहला बार एक्सपोर्ट हुआ था सिंगापुर से जापान 1994 में। दोस्तों, आप सबका ये फेवरेट चैनल अशोक एक्वा में, हम लोग और भी ऐसा अनटोल्ड स्टोरी लाने वाले हैं। अगर लगता है सही में इस चैनल से आप लोगों को नॉलेज मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सबाई को भालो थकबे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।